हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल वाले नान। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैदा ले लेना है, उसको छन्नी की मदद से एकदम अच्छे से छान लेना है। इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एक पैकेट इनो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी दूध। तो दूध के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और फिर दूध और ऑयल दोनों भी इस तरह से आटे के अंदर डाल देना है, और फिर एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और इसका एक डो बांध लेना है। डो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मेरा डो एकदम अच्छे से मैंने बांध लिया है। अभी मैं इसको ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी। 10 मिनट हो गया है, डो को एक बार वापस से इस तरह से गून लेना है, और इसके बाद इसके नान बना लेंगे। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले डो में से एक छोटा सा हिस्सा ले लेना है, और इसका इस तरह से पेड़ा बनाना है। जैसे नॉर्मली हम रोटी का पेड़ा बांधते हैं ना, उसी तरह नान का भी पेड़ा बना लेना है, ठीक है। तो पेड़ा बनकर रेडी भी हो गया है। इसको इस तरह से हल्के हाथ से गोल गोल घुमाते जाओ, और फिर गेहूं के आटे में एकदम अच्छे से इसको कोट कर लेना है, और इसके बाद इसको बेल लेंगे। जैसे नॉर्मली हम रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह नान को भी बेलते हैं। बस इसको है ना थोड़ा सा लंबा शेप में रखेंगे। रोटी गोल शेप होती है, नान इस तरह से लंबे शेप में होती है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लंबे शेप में ही बेल लेना है, ठीक है। तो मैंने इसको एकदम अच्छे से बेल लिया है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। तो धनिया को मैंने इस तरह से एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और इस तरह से नान के ऊपर इसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। सब जगह पे हल्का हल्का हरा धनिया लगा देंगे, ठीक है। तो देख सकते हो जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह आपको भी कर लेना है। धनिया डालने के बाद इसको वापस से इस तरह से बेल लेना, ताकि धनिया एकदम अच्छे से चिपक जाए नान में, ठीक है। तो ये नान बनकर रेडी भी हो गया है। तो इसके बाद यहाँ पर तवा ले लेंगे। तवा को एकदम अच्छे से गर्म होने देंगे, और जो नान का पीछे का जो हिस्सा है ना, जो जहाँ हरा धनिया रखा डाला था ना, उसके पीछे के हिस्से के ऊपर हमको लगा लेना है पानी, और पानी लगाने के बाद इसको एकदम अच्छे से स्प्रेड कर देना है, और जो पानी वाला हिस्सा है ना, उसको तवा के ऊपर इस तरह से रख देना है, ठीक है। और हल्के हाथों से इस तरह से इसको प्रेस कर देना है, ताकि नान एकदम अच्छे से तवा में चिपक जाए। इसके बाद तवा को अभी हम उल्टा करेंगे, लेकिन इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे, और 2 मिनट होने के बाद तवा को तवा डायरेक्ट उल्टा कर देंगे गैस के ऊपर। मतलब नान को नहीं पलटना है, सिर्फ तवा को ही डायरेक्ट उल्टा कर देना है। देख सकते हो गैस जिस तरह मैं कर रही हूँ, उसी तरह आपको भी कर लेना है, और इसी तरह से पूरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। तो देखो गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, तो नान बनकर रेडी भी हो गया है। तो इसको अभी हम निकाल लेंगे, जो अभी पानी से चिपकाया था ना, उसको इस तरह से निकाल लेना है, और ये हमारा नान बनकर रेडी भी हो गया है गाइस। देख सकते हो कितना अच्छा बना है और कितना जल्दी बना है। तो गर्मा गर्म नान को सर्व करने के पहले इसके ऊपर डाल देंगे घी। तो घी डालने के बाद इसको भी एकदम अच्छे से स्प्रेड कर देना है, और ये हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल वाले नान बनकर रेडी भी हो गए। बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं गाइस, और बहुत ही जल्दी से भी बन जाते हैं। तो एक बार इस तरह से नान की ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसी ही रेसिपी वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें, ठीक है गाइस। एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।